हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन की है और पाइथन में एक फंक्शन होता है प्रीबिल्ट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रेंज। अक्सर मैंने इसको यूज किया है तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पाइथन की आईडी को ओपन कर लेता हूं। मैं यहां से आइडियली पाइथन की मैं ओपन कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है पाइथन का होम पेज है, यानी पाइथन की शेल इसे बोलते हैं। यहाँ पे न्यू फाइल ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमें करनी है कोडिंग, ठीक है। आपको समझाता हूँ कोडिंग के माध्यम से कि ये रेंज जो फंक्शन है उसको कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर a नाम का एक वेरिएबल बनाया हमने, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया रेंज और यहाँ पे लिख दिया रेंज। अब रेंज में मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है। अब रेंज देखिए काम कैसे करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 ना, और हमने लगाया है प्रीबिल्ट फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन रेंज, ठीक है। पाइथन का एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसे हम रेंज के नाम से जानते हैं। अब ये जो रेंज है इसके अंदर मैंने लिखा है 3। अब जब भी रेंज कैलकुलेट करेगा तो जो यहां लिखा होगा उससे एक माइनस करके करेगा, यानी n माइनस 1। समझ आई बात। यहां पे 3 लिखा है तो 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2 हो जाएगा। यानी कि यहां पे आप ये समझिए कि ये 2 तक ही प्रिंट करेगा। अगर 4 लिखा हो तो 3 तक प्रिंट करेगा, अगर 5 लिखा हो तो 4 तक प्रिंट करेगा। ये रेंज जो इनबिल्ट फंक्शन है इसका कैरेक्टर होता है, ये समझ आई बात। अब यहां पे एंटर करता हूं, यहां पे लूप लगा लेता हूं। लूप इसलिए क्योंकि लाइन वाइज हम प्रिंट कराएंगे इसको। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं फॉर n, n एक और बना लेता हूं मैं, n इन a, ठीक है। ये लिख दिया, यहां पे कॉलन लगा दिया और यहां पे अब प्रिंट करवाएंगे हम, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो यहां पे प्रिंट करवा लेते हैं, लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद किसको प्रिंट करवाएंगे, n को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। और यहां से f5 करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो यहां से सेव करेंगे तो ये ra.py के नाम से सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ये देखिए यहां पर देख सकते हैं 0, 1, 2 ये प्रिंट होकर आ रहा है। यहां पर मैंने दिया क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे 3 दिया तो 3 तक नहीं प्रिंट करा। देखिए बाय डिफॉल्ट जो एड्रेस होता है वो कहां से स्टार्ट होगा पाइथन में, 0 से। तो पहला नंबर तो हो गया 0, दूसरा नंबर हो गया 1, तीसरा नंबर हो गया 2, लेकिन यहां पर लिखा क्या, 3 लिखा, लेकिन यह प्रिंट कहां तक हुआ, 2 तक ही प्रिंट हुआ, यह बात याद रखिएगा। अगर मैं यहां पर 4 कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये 4 किया, अब F5 करता हूं और एंटर करता हूं, तो देखिए 3 तक ये प्रिंट करेगा। समझ आ रही है बात। तो रेंज का कैरेक्टर कुछ इसी तरीके का होता है कि ये ऐसे ही काम करेगा। आ रही है बात समझ में,